ये तो प्रोसेस है, परिवर्तन तो होता ही है। सीनियर लोग जब जाते हैं, और जब पिछला जो दौरा हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, भारत का, तो मैं सोचता हूँ ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसे थे जो अपने क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ने के काफ़ी नज़दीक थे। आपने देखा होगा उसके बाद राहुल द्रविड़ ज़्यादा नहीं खेले, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग कुछ ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले, तो वो अपना जो श्रेष्ठ समय था, बेस्ट पीरियड, वो पीछे छोड़ चुके थे वो लोग। और विराट कोहली उसमें एक नए और उभरते हुए खिलाड़ी आए थे, बहुत अच्छी श्रृंखला खेले थे वो, बहुत अच्छी सीरीज खेले थे वहाँ पे। हालांकि सचिन ने भी कुछ मैचों में, दो टेस्ट मैचों में सचिन ने भी रन बनाए थे। तो ये जो टीम है, ये मैं सोचता हूँ अनुभव और युवा उसका अच्छा मिक्सचर है, और ये टीम एक ऐसी है जो बहुत अच्छी टीम का शेप ले रही है धीरे धीरे। इनके साथ थोड़ा समय रखना पड़ेगा, जो युवा प्रतिभाएं हैं उनको हमें समय देना पड़ेगा। जैसे साउथ अफ्रीका हुई या इंग्लैंड हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया, ये कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ सेटल होने में टाइम लगता है। और आजकल जो क्रिकेट हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय, खास करके भारत जो खेल रही है, उसमें जो साइड गेम्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं खेल रहे, जैसे साउथ अफ्रीका में नहीं खेले थे, तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। पर टीम में मुझे पूरा विश्वास है, और ये मैं सोचता हूँ कि बेहतर बॉलिंग साइड है ये। देखिए, इसमें से मैं सोचता हूँ राहुल और नमन ओझा तो बेसिकली बैटिंग की, बल्लेबाजी की वजह से हैं, और जो कीपिंग भी कर सकते हैं, दोनों अपने बल्लेबाजी के कारण आए हैं, क्योंकि नमन ओझा ने अभी इंडिया ए के दौरे में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और वैसे ही राहुल भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं लगातार। तो बल्लेबाजी के लिए ज़्यादा उनका सिलेक्शन हुआ है, जबकि रुद्धिमान साहा एक ज़्यादा विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में। आखिरी दौरा था और वहाँ तो उन्होंने बहुत उम्दा गेंदबाजी की है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि तो पैनापन कम हो गया, क्योंकि इंग्लैंड की श्रृंखला में तो उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी दोनों में। और उनके रन बनाने से एक काफ़ी डेप्थ आ जाती है बैटिंग में, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कई सालों से उत्तर प्रदेश के लिए 6 नंबर, टॉप 6 में बैटिंग बल्लेबाजी करते रहे हैं, और अगर वो 8 नंबर पर खेल रहे हैं तो ये डेप्थ आ जाती है। मैं सोचता हूँ वो 7 नंबर के लिए, हाँ, भविष्य में 7 नंबर पे सेटल हो जाएंगे। 5-0 से टीम इंडिया को जीत मिली, तो कोहली की कप्तानी जो अब तक हम देख चुके हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, टेस्ट क्रिकेट तो टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। देखिए, आईपीएल का और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का कोई तुलना नहीं है। आईपीएल अपनी जगह मोर ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड उसको आप ये सोचेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तो ये गलत फहमी है। मैंने कभी उसको, आईपीएल को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं ला सकते। और टेस्ट क्रिकेट तो बड़ा टफ होता है, बड़ा कठिन है, और असली चैलेंज तो टेस्ट क्रिकेट में होता है दिवसीय मैचों में। वनडे क्रिकेट में मैं नहीं सोचता कि इतना महत्व दिया जाना चाहिए वनडे क्रिकेट प्रदर्शन को। और हमने श्रीलंका से जो 5-0 जीती, वो भारत में हमने अपने फेवरेबल कंडीशन में जीती। वहाँ जो है डिफरेंट कंडीशन होंगी, और कितने जल्दी हमारे बल्लेबाज और गेंदबाज इसको ढाल लेते हैं उसके, अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से, उस पर निर्भर करेगी श्रृंखला। नहीं, टेस्ट क्रिकेट वहीं है जहाँ था और वहीं रहेगा, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। तो पिछले 30-40 सालों से चल रहा है कि जब 1960 में जब 50 वनडे लिमिटेड ओवर आया था क्रिकेट, 40 ओवर, 50 ओवर का इंग्लैंड में, तो तब से चर्चा चल रही है कि अब टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो जाएगा। पर टेस्ट क्रिकेट असली क्रिकेट है, मैं हमेशा ये मानता हूँ, और अलग अलग वर्षन है, और तीनों तरह के वर्षन के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जगह है। T20 का एक अपना अपनी जगह है, क्योंकि बहुत से दर्शक उसको पसंद करते हैं, पर वो दर्शक अलग श्रेणी के हैं, वो नया एक वर्ग बना है जो T20 को पसंद करता है, और हमारे ऐसे दर्शक हैं जो टेस्ट क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है गेम के लिए कि सब तरह के खेल को देखने वाले और चाहने वाले की संख्या बढ़ रही है। देखिए, मैं तो उल्टा बोलूँगा कि टेस्ट क्रिकेट तो वही सबसे डिफिकल्ट है, और जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेल रहा है वो, उसको किसी भी क्रिकेट में खेलने में तकलीफ नहीं आएगी। पर टेस्ट क्रिकेट और जो अच्छा क्रिकेटर है वो T20 और 50 ओवर्स क्रिकेट में भी सफल हो सकता है, पर ये ज़रूरी नहीं कि T20 वाला बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में हो, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस हैं और रियल टेस्ट होता है वहाँ पे, और बॉलर, गेंदबाज और बल्लेबाज में बराबर बैलेंस है, और उनको दोनों को कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो फेयर लड़ाई है जो बल्लेबाज, बल्ले और गेंद की है, वो T20 में या 50 ओवर्स में नहीं है, वो हेविली बैट्समैन के फेवर में। नहीं, देखिए, ये तो गेस करना, जैसा मैंने कहा कि ये निर्भर करेगा कि हमारे बल्लेबाज और गेंदबाज कितने, किस तरह से और कितने जल्दी इस वहाँ की स्थितियों को ढाल लेते हैं। और मैं सोचता हूँ पहला टेस्ट मैच बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, अगर भारत पहला टेस्ट मैच किसी तरह अच्छा तरह से खेल जाएगा तो श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ पहला टेस्ट मैच श्रृंखला का, हमेशा बाहर जो विदेशों में होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
सचिन ने खुद कहा था कि विराट कोहली उनके नक्शे कदम पर, आप विराट कोहली के भविष्य को कैसा देखते हैं? नहीं देखिए, तुलना कभी नहीं करी जानी चाहिए क्रिकेट की। जैसे ब्रैडमन से भी कहीं में तुलना हुई, या सचिन से भी अब होगी, या गावस्कर से भी होती थी, तो तुलना तो होनी नहीं चाहिए। सब अपनी अपनी जगह होते हैं, और विराट कोहली अभी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, पर अभी उनको हम सचिन के समकक्ष लाएँ या जस्टिफाई नहीं हो सकता। पर हाँ, भविष्य में वो, उनमें सारी क्षमताएँ हैं एक महान बल्लेबाज बनने की।